हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रहा है तो आप एक काम सबसे पहले करिए, आपका जितना भी डेटा है जिसे आप सेव करना चाहते हैं आप सिंपली उसे कॉपी करके गूगल ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लीजिए। देन उसके बाद आप सिंपली सेटिंग में जा कर के अपने फ़ोन को रीसेट मार दीजिए। अगर आपके फ़ोन में कोई जंक या फिर वायरस आ गया होगा तो इसकी वजह से भी फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो रहा होगा। तो ऑटो रीसेट कर देने के बाद आपका फ़ोन फिर से स्टेबल हो जाएगा जैसे कि पहले था। इससे जितने भी वायरस थे सारे डिलीट हो जाएंगे, आपका जो भी डेटा था आप फिर से रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव, राइट। अगर आपके दोस्तों अगर आपका फ़ोन वॉल्यूम तेज़ करने की वजह से स्विच ऑफ हो रहा है, जैसे अपने रेडमी फ़ोन का वॉल्यूम तेज़ करते हैं, कुछ देर वीडियो रन करते हैं, आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो आपके फ़ोन में दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इवन योर बैटरी इज़ डेड, राइट। आपका बैटरी भी ख़राब नहीं है, एक बार आप जा कर के उसकी हार्डवेयर प्रॉब्लम को सही करा लीजिए और आपका फ़ोन फिर से सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर आपका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ हो रहा है तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है आपके फ़ोन की, तो आप अपने फ़ोन की बैटरी चेंज करा सकते हैं विद रिक्वायर्ड बैटरी कैपेसिटी और बैटरी MAH पावर, राइट। आई होप सो दिस वीडियो वुड बी यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।